हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। प्रदेश के किसान परेशान है, प्रदेश के किसान सड़कों पर है, मांग कर रहे हैं मुआवजे की, क्योंकि बेमौसम बरसात में उनकी फसल खराब हो गई है। ऐसे में सरकार उनकी गुहार कितनी सुनती है? हरियाणा की आवाज में उठा रहे हैं आज ये मुद्दा। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, हरियाणा की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। बेमौसम हुई बारिश के बाद फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। किसान सड़कों पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बेमौसम बरसात में उनकी फसलों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे, प्रशासन करे और मुआवजा उन किसानों को दे जो पूरे साल की मेहनत उनकी बर्बाद हुई है। उसका खामियाजा किसे भुगतना है? किसान ही क्यों उसका खामियाजा उठाएगा? इसको लेकर हरियाणा की आवाज में आज हम उठा रहे हैं मुद्दा। आप भी अपनी बात, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर्स आपको हम दिखाएंगे, नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। किसानों की बद से बदतर होती हालत को कौन सुनेगा, उनकी आवाज को कौन उठाएगा, उनकी मांगों को कौन मानेगा, ये बड़ा सवाल है। हरियाणा की आवाज के माध्यम से आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं, अपनी राय हरियाणा की आवाज में रख सकते हैं। बेमौसम हुई बारिश के बाद फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, मौसम की मार झेल रहे किसानों को अब चिंता सताने लगी है। इसी के मद्देनजर किसानों ने अब मुआवजे के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें दो जगह से सामने आई है। पहली तस्वीर रेवाड़ी से है, जहां किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। दूसरी तस्वीर रोहतक की है, यहाँ पे अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां से किसानों को नुकसान पहुंचा है। वहां पर किसान किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, खेतों में फसल किस तरीके से खराब हुई है वो आपको दिखा रहे हैं, और अब सड़कों पर कैसे किसान उतरे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं कि किसानों की आखिर मांग क्या है। किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए शहर भर में प्रदर्शन किया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। किसानों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की ओर से 24% से कम नुकसान दिखाया गया, लेकिन किसानों को 100% नुकसान हुआ है। कॉलर राजीव कुमार जुड़े हमारे साथ। राजीव जी, अपनी राय रखें। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, किसान हर सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है और किसानों के लिए कुछ नहीं करती। किसान आज भी कर्जे में दबा हुआ है, उसकी फसलों के दाम नहीं मिल रहे। मतलब किसान को खेत से लेके मंडी तक हर जगह मारी मिलती है, कहीं मजदूर चोरी करते हैं, कहीं आड़ती चोरी करता है, रेट कम देता है, कहीं खेत में नुकसान हो जाता है जी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिक्वेस्ट कर कि आप हमारे कृषि मंत्री अनिल विज जी को बना दो, वो शायद कुछ किसानों का भला कर सकें। बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने अपनी आवाज बुलंद की, अपनी राय रखी। और किसान देखिए हर तरफ से परेशान है, वो कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो गुहार लगा रहे हैं कि कोई भी कदम उठाइए, कुछ भी समाधान निकालिए, लेकिन किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए, बेमौसम बारिश ने किसानों के फसलों को बर्बाद कर दिया है, उसके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान। प्रशासन की अनदेखी के शिकार भी किसान हुए हैं, क्योंकि अनाज मंडी में जो तस्वीरें देखने को मिली, देखिए किस तरीके से जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं, जो गेहूं है वो खराब हो गया। डीके यादव जी जुड़े हमारे साथ। डीके यादव जी, अपनी राय रखें। आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का जी, मैं ये कहना चाहूंगा जो किसानों के ऊपर जो ये आफत भगवान ने जो अभी ओलावृष्टि या कुछ बरसात का जो बेमौसमी जो बारिश है वो नुकसान हुआ किसानों का, एक तो उनका तुरंत इनका गिरदावरी करवा करके एक हफ्ते के अंदर अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे देना चाहिए किसानों को, और एक हफ्ते के अंदर इसका फीडबैक किसानों को मिल जाना चाहिए, तब तो हम जनता महसूस करे कि राम राज सरकार होते हुए किसानों की वाकई में ही मसीहा है। और ताऊ देवीलाल जी तो बहुत ही किसानों के मसीहा कहा जाते थे और आज भी उनका इसी विषय में नाम लिया जाता है। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए मेरा डिप्टी सीएम से भी अनुरोध है, वो
किसानों की तरफ एक हर गांव में मंथली एक तो खुला दरबार लगाए, किसानों की कोई भी समस्याएं हैं या फिर अभी ये जो बिजली वाले विभाग के हैं, ये जो बिजली छापामारी की जा रही है गांव में, छोटे छोटे जमींदार हैं वो मजबूरी में चोरियां कर रहे हैं, वो छोटे किसान हैं वो मजबूरी में चोरियां कर रहे हैं क्योंकि उनका भारी भरकम उनके पास इनकम पहले से ही, उनका बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे, फसल उनकी नहीं आ पा रही है अच्छे दाम के ऊपर, तो उनके लिए या तो फिर वो सुसाइड करेंगे या फिर उनकी जमीन बेच करके वो बिल पेड करेंगे, और भारी भरकम जुर्माना जो लिया जा रहा है बिजली विभाग का वो भी एक गलत है, वो कहाँ से पेड करेंगे, छोटे जमींदार हैं वो। तो मेरा सरकार से अनुरोध है 1.5-2 महीने का एक तो इनको टाइम देना चाहिए, जो भी जमींदार है अपना मान लो कनेक्शन नहीं लिया है या कनेक्शन ले ले, या फिर 5,000 रुपए लगभग जो है जुर्माना इनका फाइन तय करना चाहिए इनको, ज्यादा जुर्माना वो कहाँ से पेड करेगा, छोटा जमींदार है किस्त नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों को भूखा रख के पेड करेगा। और मेरा एक सरकार से अनुरोध और है 500 यूनिट तक बिजली जो 5 एकड़ से जो कम जमींदार हैं, जो गरीब हैं बेरोजगार हैं, उन महिलाओं के नाम मीटर लगाना चाहिए, 5 एकड़ से जो कम जमीन है उनको कनेक्शन दिया जाना चाहिए, 2 रुपए यूनिट पर यूनिट तक बिजली, 500 यूनिट तक बिजली 2 रुपए यूनिट पर यूनिट, 2 रुपए के हिसाब से अगर दी जाए 500 यूनिट तक मंथली, तो एक तो 50% चोरी ऑटोमेटिक रुक जाएगी, और जो सैलरी वाले हैं अच्छे जमींदार हैं मान लो अच्छे बिजनेसमैन हैं उनको अलग रेट चार्ज किया जा सकता है। अगर ये बेरोजगारी तो समाप्त नहीं कर सकते लेकिन बेरोजगारों को इस प्रकार से राहत दी जा सकती है, छोटे किसान हैं उनके गांव में स्टोर खोले जाने चाहिए, जैसे फौजी आदमी का डिफेंस का कार्ड बनता है तो भी एक जायज रेट के ऊपर जीएसटी में कोई छूट देनी चाहिए, डीजल में पेट्रोल में या उनको सामान में जो 5 एकड़ से जो कम जमीन है उन मजदूरों को किसानों को जो आम जो दिनचर्या का जो सामान होता है वो स्टोर हर गांव में खोल देना चाहिए, उससे एक सरकार की इनकम भी बढ़ेगी जी। और जो है ना ये ठेके की बजाय जो ठेके खोलते हैं गांव-गांव में उनकी बजाय ये स्टोर खुलवा दीजिए सरकारी, और जायज रेट के ऊपर जो 5 एकड़ से जो कम है उन किसानों को फायदा पहुंचाइए, तो और जो खेती है उनके ऊपर ध्यान सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए, छोटे जमींदार हैं अगर उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगा दिया है उसमें बिजली का, वो उसके बच्चे कहाँ से पेड़ करेंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे या फिर सुसाइड करेगा परिवार, तो सरकार को सोचना चाहिए इतना भारी भरकम जो किसानों के ऊपर भारी भरकम जो बोझ पड़ता जा रहा है, बैंक का जो लोन है वो नहीं चुका पा रहे वो बेचारे, इतना इंटरेस्ट हो जाता है, गाँव से किसी से अगर उन्हें इंटरेस्ट पे ले लिया तो वो गांव वाला उसकी जमीन बिकवा देगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही गांव में इतना इंटरेस्ट है, वो गरीब आदमी कभी पेड़ ही नहीं कर पाएगा, वो सारी उम्र उसका इंटरेस्ट उतारता रहेगा, उसको इनकम का कोई फायदा ही नहीं कमाने का। तो सरकार से अनुरोध है एक तरीके से उनको राहत दी जाए जो कि आम आदमी भी महसूस करे। बहुत शुक्रिया विकी यादव जी, आपने अपनी राय रखी, ये तमाम मांगे हैं सरकार से। भिवानी से राजेंद्र जुड़े हमारे साथ, राजेंद्र अपनी राय रखें। राजेंद्र क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए संपर्क हमारा नहीं हो पाया लेकिन हरियाणा की आवाज के माध्यम से आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। देखिए हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो इनके छोटे छोटे ये कुछ मांगे हैं सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान दे, जो नुकसान हुआ है बेमौसम बरसात में उस नुकसान की भरपाई कैसी होगी उसके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, किसान सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं कि बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को जो बर्बाद किया है उसके लिए मुआवजा दे, और साथ ही जो लापरवाही अनाज मंडी में देखने को मिली है जिसकी वजह से अनाज का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करे क्योंकि वो प्रशासन की गलती से हुआ है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से किसान जो है वो सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी मांगे सुने। हरियाणा की आवाज के माध्यम से आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और हरियाणा की आवाज के माध्यम से आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर फोन कीजिए और अपनी आवाज रखिए। आपके क्षेत्र में क्या परेशानी है, क्या आपके भी यहां जो किसान हैं उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि प्रदेश भर के किसान परेशान हैं और मांग यही कर रहे हैं कि बेमौसम बरसात में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सवाल पूछ रहे हैं किसान। अनाज मंडी में जो मंडी के अधिकारी हैं उनसे जो लापरवाही हुई है उसके चलते जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। विजय कुमार झज्जर से जुड़े हमारे साथ, विजय जी अपनी राय रखें। नमस्कार जी, अपनी राय रखें। बड़ी बात क्या है, अभी पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात बताई, इस पूर्व वक्ता ने जिस हिसाब किताब से बताया उसने ठीक आकलन किया है, और इस हिसाब किताब से हमारी सरकार के अंदर ना बड़े बड़े आईएएस बैठे हैं
और वो हर एक चीज का जीरो टॉलरेंस पर हर एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं। और आज किसानों की ये हालत है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसके मेन कारण क्या है, जैसे खाद है, बीज है, दवाइयां हैं। अब दवाइयों की कीमत अगर लागत देखी जाए तो उस दवाई की लागत 20 और 25 30 रुपए की होती है, लेकिन वो 300-400 रुपए से कम नहीं मिलती। इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है और ऐसी स्थिति हुई पड़ी है कि कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं सर्दी से मारी जा रही है, कहीं गर्मी से मारी जा रही है। अब जैसे एक बरसात होगी, अब इस बरसात में किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ तो बुआई रह रही है और कुछ बुआई हुई है वो बीज खराब हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिन लोगों की अभी तक कटाई नहीं हुई वो अगली फसल वो भी नहीं सकते। अब वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करे, क्या नहीं करे, आज उसके लिए मतलब इतनी भीषण समस्या है कि उसको ना तो बैंक से तो लोन देना के लिए राजी, ना कहीं से उसको पैसा मिल जाए। तो इस स्थिति में वो इतनी नाजुक स्थिति में फंसा हुआ है कि इसकी तरफ अगर देखा जाए, इसका उद्धार किया जाए, तो ये हमारे जितने भी IAS अधिकारी बैठे हैं ये और हमारे नेतागण चाहे तो इसका अच्छे से अच्छी विचारधारा बना के इनका समस्या समाधान कर सकते हैं और इसी से कल्याण हो सकता है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी अपनी राय रखने के लिए। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और अगर अच्छे तरीके से काम किया जाएगा तो इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन किसानों की तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा, सरकार से जो मांग किसान कर रहे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। मिट्टू जुड़े हमारे साथ, अपनी राय रखें सर। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपनी राय रखें। मैडम ये सरकार को भलीभांति पता है किसान के साथ हो रही है। पहले तो इनको जो धान का रेट था बहुत कम मिला है, इस बार तो बिल्कुल ही किसान की बहुत दुर्दशा हुई है। और ये जो बेमौसमी बरसात हुई है इसने तो इनका लक तोड़ के रख दिया है। मैडम जी ये किसान है गरीब, 5-4 किले वाला, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या, वह टेक्निकल शिक्षा उच्चतर शिक्षा दे पाएगा? ये BTech जैसी पढ़ाइयां 1-1 लाख रुपया फीस कहाँ से देगा? बिल्कुल मैडम, ये घर का गुजारा नहीं चलता। ये जो नेता है इनको भली भांति पता है कि किसान की कितनी दुर्दशा है। एक कृपया इनका भगवान भला करेगा, इनको सोचना चाहिए किसानों की। और शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मिट्टू जी, आपने अपनी राय रखी और सरकार को किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनकी जो स्थिति आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है ऐसे बेमौसम बरसात के बाद जब उनकी फसलें खराब होती हैं तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं प्रदेश भर के किसान और कह रहे हैं कि सरकार उनकी बात को सुने। जो मंडी की लापरवाही के चलते नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, इस तरफ भी ध्यान दे सरकार। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं। हरियाणा न्यूज के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हरियाणा की आवाज के माध्यम से आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में किस तरीके से किसानों का हाल है, प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है और किसान लगातार जो मांग कर रहे हैं कि आखिर उनकी जो फसलें खराब हुई हैं कौन उसका भरपाई करेगा, कौन उसके लिए जवाबदेह होगा, कौन जिम्मेदार होगा, ये बड़ा सवाल है। किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार मुआवजे का ऐलान करे, सरकार मुआवजे की बात जो कहती है चुनाव प्रचार के दौरान वो करके भी दिखाए, क्योंकि बेमौसम बरसात से फसलें खराब हो गई हैं, ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद से प्रदेश भर के किसान नाराज दिख रहे हैं। प्रदेश भर के किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज के माध्यम से आप भी अपनी आवाज सरकार तक, सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस। और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। नारेबाजी कर रहे हैं किसान के किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी और प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, उनकी फसल जो खराब हुई है उसकी भरपाई की जाए, मंडी प्रशासन की जो लापरवाही है उसकी भरपाई की जाए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आपका क्या नुकसान हुआ है, आपके क्षेत्र में किसान कितने परेशान है वो आप बता सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे फोन कीजिए। हरियाणा न्यूज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आवाज को आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हरियाणा की आवाज के माध्यम से आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं कि आखिर ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, किसान सड़कों पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अनाज मंडी में रखा अनाज, अनाज की लाखों बोरियां
और बड़ी मात्रा में जो अनाज है वो नुकसान पहुंचा है, तो आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए किसान सड़कों पर उतर गए हैं, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, अपना रोष जाहिर कर रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार कोई भी आ जाए, किसानों की परेशानी जस की तस बनी रहती, तो आखिर इस परेशानी को दूर कैसे किया जाएगा। बेमौसम बरसात ने किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं और यही वजह है कि किसान सड़कों पर उतर गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो नुकसान हुआ है बेमौसम बरसात में, ओलावृष्टि में, सरकार उस फसल के नुकसान के लिए मुआवजे की राशि दे और यही मांग इन किसानों की है। आपके क्षेत्र में किसानों का क्या हाल है, ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से कितना नुकसान हुआ है और आपके क्या मांग है सरकार से। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं, अपनी परेशानी, अपने क्षेत्र का हाल हरियाणा की आवाज के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं, सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। आपकी क्या मांग है सरकार से वो आप बता सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रदेश भर में ऐसी ही तस्वीर है जब सड़कों पर किसान उतर आए हैं और ये नारेबाजी कर रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, उनकी मांगों को माना जाए, मुआवजे का ऐलान किया जाए। जो मुआवजे की राशि की मांग वो कर रहे हैं उस मुआवजे की राशि को सरकार कहे कि हाँ हम देंगे किसानों को, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम सरकार करेंगे, यही मांग की जा रही है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं, हरियाणा की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में क्या हाल है, ओलावृष्टि से, बेमौसम बरसात से कितना नुकसान पहुंचा है, अनाज मंडी में मंडी अधिकारी जो है उनकी लापरवाही से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश से, ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई हैं जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है और ऐसे में उनका घर चलाना तक मुश्किल हो गया है, दुभर हो गया है। ऐसे में वो सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी मदद करे, मुआवजे की राशि हमें दे, यही मांग इन किसानों की है जो सड़कों पर उतरे हैं। और नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और हरियाणा की आवाज के माध्यम से अपने क्षेत्र का हाल, अपनी मांग आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। किसानों के हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। क्या अन्नदाता के सुनने वाला कोई नहीं है, किसान के बर्बाद हो रही फसल का भुगतान कौन करेगा, ये सवाल प्रदेश भर में घूम रहा है। राजेंद्र कॉलर जुड़े हमारे साथ, राजेंद्र जी अपनी राय रखें, संपर्क टूट गया लेकिन ये सवाल जरूर बना हुआ है कि क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए ही किसान है, क्योंकि चुनाव के दौरान हम देखते हैं सबसे ज्यादा किसानों का मुद्दा ही छाया रहता है। राम सचदेवा कुरुक्षेत्र से जुड़े हमारे साथ कॉलर, राम सचदेवा जी अपनी राय रखें, अपनी राय रखें सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक पत्र हम कहते हैं कि जय जवान जय किसान जी, और आज ये आज किसान ही सबसे ज्यादा मुश्किल में हो रहा है, सबसे ज्यादा वो हो रहा है, क्योंकि 70% लोग जो किसान है, जनता है, किसानों गांव में ही रहती है और उन्हीं के वोटों से यह सरकार बनी है और यह सरकार वायदे तो करती है, एक तरफ तो ये कहती है कि दुगनी आमदन कर देंगे, दुगनी आमदन तो करना एक तरफ रहा, उनके फसलों के कम से कम एक तरफ तो मतलब कुदरत की कोई हो रही है, दूसरी तरफ ये सरकार कुछ मतलब वायदे तो वादा करना और उनको पूरा करना किस तरह वो है। 70% लोग गांव में रहते हैं जिनकी वोटों से ये सरकार बनी है और वो ये और जब ये सरकार बनी थी उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि हम ये गांव वालों की या मतलब इनकी किसानों की बहुत ज्यादा वो करेंगे। बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी, आपने अपनी राय रखी। कॉलर राजेंद्र भी जुड़ गए हमारे साथ, राजेंद्र जी अपनी राय रखे सर। चलिए संपर्क हमारा टूट गया लेकिन देखिए जय जवान जय किसान का जो नारा है वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यही शिकायत कर रहे हैं सरकार से कि चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं कि किसानों के लिए सरकार है, किसान हितैषी सरकार है और सभी पार्टियां अपने आप को किसान हितैषी बताने की कोशिश करती हैं, जताने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब वक्त आता है, जब ये साबित करना होता है तो सड़क पर ये तस्वीर देखने को मिलती है जो हम देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। किसान नाराज होकर सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं और ये मांग करते हैं कि मुआवजा दिया जाए, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए।
तो वो किसान ये पूछ रहे हैं सरकार से कि उन वादों का क्या हुआ जो चुनाव के दौरान किए जाते हैं, उन वादों का क्या हुआ जो ये कहते हैं कि हम किसान हितैषी, हम किसानों के लिए काम करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है, जब किसान मांग करते हैं मुआवजे की, तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए। हरियाणा के आवाज में इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।